आप भी अगर कर रहे हैं जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी, तो इंस्टॉल करिए हमारी जेके अकाउंट असिस्टेंट एंड्रॉयड ऐप, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हम फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए आपको पूरा फुल कोर्स सिर्फ 1499 में प्रोवाइड किया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डेमो लेक्चर्स के साथ सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है JKSSB, JKPSC, SSC ऑनलाइन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इसके फाउंडर है मिस्टर सतीश कुमार सर। तो गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जो भी हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिलेबस है। तो उसी सिलसिले में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो है गाइज यहाँ पे मिक्सअप रहेगा पर्सनैलिटीज का, ठीक है। लेक्चर वन है, तो हम आपके आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। और एक चीज़, अगर आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरीज है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो उनके ऊपर हम एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइस, इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो गाइस, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव कौन थी? ये एक एमिनेंट इंडिया की पोइट थी, ठीक है, और नॉवलिस्ट थी, ठीक है। ये एक शायरा भी थी और ये नॉवल भी लिखती थी। पहली वुमेन पोइट है डोगरी लैंग्वेज की, ठीक है। जो डोगरी लैंग्वेज है जम्मू में, जो डोगरी बोली जाती है, जो डोगरी है, उसकी पहली वुमेन पोइट थी, ठीक है। और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1971 में। किसके लिए? उनकी एक कविता थी, मेरी कविता मेरे गीत, उनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला है वो? 2001 में मिला है। रिसेंटली इन्होंने क्या रिसीव किया? सरस्वती सम्मान भी इनको मिला। किसके लिए? उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी। तो गाइस, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? चित चेते, ठीक है, चित चेते उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिसके लिए उनको सरस्वती सम्मान भी मिला है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज देखो, आपको क्या पूछा जाएगा? सिंपली अगर आपको इन चीज इनके बारे में पूछा जाएगा, तो गाइज देखिए, हम आगे आने वाली वीडियोज में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, जब हमारा क्या होगा MCQ, जब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसमें कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हब्बा खातून। तो हब्बा खातून क्या है? हब्बा खातून ये भी एक शायरा है 16वीं सदी की, इतना आप इनके बारे में जानिए। उसके बाद जावेद राही। जावेद राही कौन थे? ये एक राइटर थे, ठीक है, और एक्टिविस्ट भी थे। उसके बाद मोतीलाल केमू। मोतीलाल केमू, देखो गाइस, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि ये जो पर्सनैलिटी है, इसे किसी पर्सनैलिटी का नाम दिया होगा। जावेद राही की पर्सनैलिटी का मान लो आपको नाम दिया है, तो ये पर्सनैलिटी कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? क्या ये राइटर हैं, ठीक है, क्या ये सिंगर हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे आपको। फिर है मोतीलाल कैमू, ये कौन थे? कश्मीरी राइटर थे और सोशल वर्कर भी थे, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं आगे। जस्टिस TS ठाकुर। जस्टिस TS ठाकुर कौन थे? ये 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो जो आज के हमारे चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? जस्टिस बोबड़े, ठीक है गाइस, जस्टिस बोबड़े। इससे पहले कौन थे? रंजन गगोई हमारे कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो बढ़ते हैं आगे। मेहरचंद महाजन। देखो गाइस, जो मैं यहाँ पे आपको पर्सनैलिटीज करवा रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर के पर्सनैलिटीज हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। तो मेहरचंद महाजन गाइस, मेहरचंद महाजन कौन है? इनके बारे में सुना होगा, बहुत बड़ी हस्ती है। तो गाइस क्या होता है, 1965 के बाद, 1965 के बाद क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है गाइस। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1965 में। तो गाइस, पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं गुलाम मोहम्मद सादिक। क्या होते हैं गाइस? कौन होते हैं? गुलाम मोहम्मद सादिक हमारे पहले कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। और लास्ट प्राइम मिनिस्टर पूछा जाए तो कौन थे? वही थे, उसके बाद
ठीक है, उन्होंने शपथ ली एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगली पर्सनैलिटी की तरफ, वो ए एस आनंद। और ये कौन थे? ये भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो अगली पर्सनैलिटी देखते हैं कौन है, वी एन कोल। तो वी एन कोल कौन थे? फार्मर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारे फार्मर, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल थे इंडिया के, वो कौन, मतलब कि वी एन कोल जो है ये हमारे सीएजी भी रह चुके हैं। हाँ तो गाइस, आज हमारे जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं गाइस, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, राजीव महर्षि। ठीक है गाइस, अबे क्या होते हैं ये जो हमारा ऑडिट होता है, ठीक है, यानी कि पूरा हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब ऑडिट करने के बाद पता चलता है। उसके बाद देखते हैं आगे अगली पर्सनैलिटी के बारे में, एनसी विज। ठीक है, ये कौन थे? ये एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। एक्स क्या होता है, यानी कि एक्स सर्विसमैन, उन्होंने यहाँ पे आर्मी स्टाफ को सर्व किया हुआ है। तो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है गाइज? मनोज मुकुंद नरावने। ठीक है गाइस, मनोज मुकुंद नरावने आज हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ हैं। तो बढ़ते हैं अगली पर्सनैलिटी की तरफ, करण सिंह। ठीक है, डॉक्टर करण सिंह ये कौन है? जो हमारे लास्ट रूलर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट रूलर थे कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, महाराजा हरि सिंह के पुत्र थे कौन? करण सिंह। ठीक है, आज भी हैं और ये फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पहले सदर रियासत यानी कि जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे हमारे कौन? करण सिंह। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। उसके बाद महबूबा मुफ्ती के बारे में जानते हैं। महबूबा मुफ्ती कौन थी? कौन थी नहीं, है, आज भी हैं ये। ठीक है, थी मैंने डाला इनको, यानी कि आज भी हैं ये। और ये कौन है? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की बनी थी। कौन बनी थी? महबूबा मुफ्ती। ठीक है, कब बनी थी? जब इनके वालिद साहब की जो है डेथ हो गई थी, इनके फादर की डेथ हो गई थी, वो हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी डेथ के बाद इनको बनाया गया था वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कल्हाना के बारे में जानते हैं। तो कल्हाना के बारे में आप सबने सुना होगा, पंडित कल्हाना के बारे में। ठीक है, ये कौन थे? 12वीं सदी के कश्मीरी ब्राह्मण थे। और जो राजतरंगनी, आप राजतरंगनी के बारे में आप सुनते हैं, ठीक है, राजतरंगनी के जो बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, वो किसने लिखी है गाइस? वो लिखी है कल्हाना ने। ठीक है, कौन थे ये? कश्मीरी ब्राह्मीण थे। और इनको कश्मीर का पहला हिस्टोरियन भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे हरि सिंह की तरफ। हरि सिंह कौन थे? मैंने पहले कहा कि राष्ट्र रूलर जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पे 1925 में उन्होंने जो ये थ्रोन है, जो तख्त है, उसको असेंड किया था। ठीक है, और उन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है 26 अक्टूबर 1947 को किया था। तो गाइस क्या होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, समझाता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे। देखिए जब क्या हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा जो इंडिया है उसको आज़ादी मिली। एक इसकी दो डोमिनियन बनाई गई, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो लोग इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंडिया को ज्वाइन कीजिए, जो लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान को ज्वाइन कीजिए। तो क्या हुआ, हैदराबाद, याद रखेगा नाम, हैदराबाद जूनागढ़ और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है, हैदराबाद जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने क्या किया, ये अलग रहे, ये इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की, पाकिस्तान ने बार बार हमले किए जम्मू एंड कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उस वक्त हरि सिंह, वो मजबूर हो गए कि हम क्या करेंगे, असीड करेंगे, हम क्या करेंगे, असेशन करेंगे, किसके साथ, ये हमारा जो इंडिया है उसके साथ असेशन करेंगे। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन किया, कब साइन किया, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद गाइस आते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन है? ये पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है, थे, अब हैं नहीं, गुजर चुके हैं। और ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कब, 1989 to 1919 में, इस पीरियड में वो होम मिनिस्टर भी रहे इंडिया के। और जो पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आप आए दिन सुनते रहते हैं, ठीक है, इंजीनियर रशीद वगैरह के बारे में आप जानते रहते हैं, सड़कों में उतर आते हैं। देखिएगा क्या होता है कि उस जो ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, कौन सी,
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी आज जो हेड है वो कौन है, नायब वो मुफ्ती हैं, तो उसके फाउंडर हैं, इन्होंने उसको फाउंड किया था, और ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, कब से कब रहे हैं, पहले तो नवंबर 2002 से नवंबर 2005 तक इन्होंने यहाँ पे सर्व किया एज अ चीफ मिनिस्टर। उसके बाद फिर से चीफ मिनिस्टर कब बने, मार्च 2015 में हमारे चीफ मिनिस्टर बने जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन उसके बाद क्या है, जब इनका टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ था तो इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर इनकी पुत्री को, वो कौन थी, वो थी महबूबा मुफ्ती, यानी कि फर्स्ट वुमेन, हमने पीछे देखा फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के बारे में। तो फारूक अब्दुल्ला कौन थे, फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला, जो शेख अब्दुल्ला जिसको शेर कश्मीर कहा जाता था, उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला आज भी हैं। ठीक है, शेख अब्दुल्ला अब नहीं रहे। क्या है कि शेख अब्दुल्ला के जो पुत्र हैं वो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके पुत्र जो है वो उमर अब्दुल्ला है, यानी कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने भी क्या किया है,